ला भी जुड़ गया वीडियो एडिटिंग में नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आदमी और गर्ल लड़ा कौन सी वीडियो कौन सी है ये तो फिर टोलेगा अरे यार तो टोलूंगा ये बात क्या नहीं जब मैच चालू हो गया ना जब बीच में कुछ आवाज तो मत नहीं मैं चिप खाली करके ले आऊंगा एक और चिप है तो 2 घंटे 5 मिनट की दया और 4.5 घंटे की और पड़ी है ठीक है बहुत है बाकी कर दियो मैं खाली मेरे पे थोड़ा सी भी बढ़िया कोई समय कर दूंगा क्या ये मरो फॉर्मेट भाई चले जेब में डाल ले एक ही बार पढ़ना दे भाई यहाँ हम कॉपी नहीं है कॉपी उतार ही गाड़ी में इधर दे गाड़ी में इधर ही है जोड़ा उस गाड़ी में इधर ले लियो भाई एक यादगार फोटो खिंचवाएं भाई दोनों टीमें बैठ जाएं प्लीज और मेरा सीट की टीम से अनुरोध है कि प्लीज आउटलाइन के बाहर वार्म अप करें बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है जिसकी टोटी चुनना मार्किंग में है प्लीज जिसकी टोटी चुनना मार्किंग में प्लीज चुनना लगाइए और भाई कब आएंगे वाले ये स्टेज आप भी देख लो भाई कितनी पब्लिक होगी कहते बाद में तक मैं साहब के बहुत रह रहे हैं अनुशासन बना लो प्लीज देखिए दोस्तों जब भी टूर्नामेंट होती है हमारे बीच में ये पूरा परिवार आता है जो पहला प्राइज देता है और आज भी पिछली बार के स्पुटर कुशल मुरा जी जो डीएफओ सोनीपत थे उस साल अब डीएफओ फरीदाबाद है इसी कारण से नहीं आ पाए हैं वो आज उनके पिताजी ने हर एक बार रुक जाओ टोल वाले रुक जाओ अरे बैठ जाए दो टीम तो दो लड़े पहरे बहरे हैं नहीं तो हाथ लाकर रोकने पड़े देखिए दोस्तों आदरणीय पूज्य श्री किताब सिंह मोरा जी ने इस प्रतियोगिता का भाई ऐसे ऐसे आदमी हर गांव में पैदा हो हर घर में पैदा हो इस प्रतियोगिता का जो पहला इनाम है कैशनदार वो दे देगा जोड़ कर ये माने सुरेंद्र सिंह किताब सिंह मोरा जी के और पिछले 3 साल से आ रहे 3 साल से इनाम दिया जा रहा है और भाई भगवान इस परिवार में सुख शांति समृद्धि विकास करने में उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आर कल्लू पॉइंट लेकर वापिस जमीन प्लीज कंटिन्यू धन्यवाद तिलकराज जी और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किताब सिंह मोरा जी घर में भगवान हमेशा तरक्की उनकी शांति बनाए रखे ताकि इस खेल में आगे जाओ हमेशा चलते बिल्कुल साफ सुथरे टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट के लिए मैं दिलबाग सिंह बिरदारा हमारे जो हरियाणा प्रदेश के जाने वाले ऑफिसर उन्होंने शानदार व्यवस्था की है साथ ही गुलाब सिंह आलमपुर जी जो हरियाणा प्रदेश के नंबर वन ऑफिसर है उनका बहुत बहुत बधाई उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार व्यवस्था के लिए मैं खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि भाई रेफरी के फैसले को अहमियत दें रेफरी का फैसला ही अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा मित्तु अहर हरियाणा सरकार का सम्मानित खिलाड़ी है खेल नीति के तहत पंचायत सेक्रेटरी भर्ती किया गया मित्वैर और ये देखो सिंदर कान 6.5 फुट हाइट जोरदार कैच की कोशिश कानून से भी लंबे हाथ भाई इतने लंबे हाथ है कितने कितने लोग जाएंगे मित्वैर के खाते पॉइंट तिलक राज जी भाई सीक और उमर बेगा दोनों आउटलाइन के बाहर वार्म अप करें धन्यवाद आउटलाइन के मान और सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर हमारे चेतन शर्मा जी को कमेटी के द्वारा बहुत बड़ा प्राइज बहुत बड़ा मान और सम्मान श्री किताब सिंह जी मोरा जी के हाथों से हैं बहुत बढ़िया अच्छा लगता है जब हमारे आदरणीय पूजनीय हमारे बहुत ही माननीय हमारे हमारे पिता श्री के द्वारा श्री किताब सिंह मोरा जी के हाथों चेतन शर्मा जी का मान और सम्मान किया जा रहा है एक मोमेंटो द्वारा दो मोमेंटो ड्रेंगम की शोभा बनेगी और याद आएगी तुझे हाट गांव में ये मानो सम्मान दिया था और इनके जो साथ आए हैं उनका एक मानो सम्मान एक मोमेंटो बात कहते हैं यस टू यू मिले आइडिया मिला पूरी टीम को मेरा कान का लेते हेलो बहुत बेहतरीन बड़ा अच्छा भाई खिलाड़ी मैच ना करें इस मामले में अनुरोध है चले तो मैच हो गए मैच कंटिन्यू बहुत बेहतरीन नजारा है बहुत बेहतरीन है एंजॉय कर रही है और भाई चेतन शर्मा जी को सम्मानित किया गया है हमारे किताब सिंह बोरा जी के द्वारा
जिन्होंने हमारे इस खेल में ज्ञान मान शान बढ़ाई। भाई चेतन शर्मा आपको बहुत बहुत बधाई। और फिट रहे रेल पर मित्र पर और यहाँ पर बहुत अच्छा नजारा है। लेकिन कामयाबी बहुत अच्छा पॉइंट रेडर के द्वारा, बहुत बेहतरीन पॉइंट। और किन्नू जल्दा और हमारे बीच में केतन शर्मा जी वशिष्ठ टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के ऑनर, जो बहुत अच्छा एक समाजसेवी है, बहुत बड़े समाजसेवी है। 31,000 का योगदान दिया और पूरी कमेटी को 1100 का योगदान डाला तेज के चरणों में और बहुत कामयाब जानदार और शानदार योगदान दिया। आप हमारे बीच पहुंचे, यहाँ पहुंच कर बहुत बड़ा योगदान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। रेड पे मित्र अहर सिंगर कालक दर्शक साथियों, देखिए जोरदार कैच की कोशिश और कानून से भी लंबे हाथ। देखिए यहाँ पर छिंदर ने नीतू अहर को बिल्कुल चकना एक जगह सोच वाली बात है कि हमेशा फाइट देते हैं, नीतू अहर को छकाने वाला काम करें, लेकिन नीतू अहर बबल शेर है, कोई चिंता नहीं, बगैर चिंता कर नीतू अहर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। और रेड पर विकी कान रेड पर छोटे हाइट का रफ्तार का खिलाड़ी और ये शानदार कैच की कोशिश प्रदीप अहर के द्वारा। प्रदीप विकी प्रदीप के खाते में, ट्रेवल के खाते में पॉइंट। अरे उसका फोन आ रहा, क्या कह दिया। आज थोड़ा चोटिल महसूस कर रहे हैं प्रदीप, पूरा फिट नहीं है, इसलिए बहुत चालीम कैचर है हरियाणा प्रदेश का। बाप रे बाप, ला 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 ला। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां के आठ गांव जैसे मैच देखने को मिलते हैं कहां। और शिनू जल्दा ट्रेन पर सामने महावीर बरकार अनिल और परवी चारों पास महावीर बात ठीक है। महावीर के दौरान बहुत अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा नजारा। देखिए दोस्तों ये महावीर आते ही महावीर का इसलिए मैंने पहले कहा था जो 5,000 की टिकट पर देखो मेरा कोई नुकसान नहीं है। अरे बार बार मौका नहीं मिलता ऐसे मैच देखने का। आप भी कभी ना छोड़ो, किल की चादर तो चिंती सोने से जोरदार किल की ओर देख। और छोटा मित्र डबल टच, कुलदीप रूप शानदार टच किया पॉइंट छोटा मित्र के खाते में। और यहाँ दोनों टीमों के प्रशंसकों को एक कमी नहीं है। श्री किताब सिंह बोड़ा जी, श्री किताब सिंह बोड़ा जी देखिए आपके सामने जो मैच चल रहा हुआ ऐसा मैच है, तो एक मान और सम्मान का मैच है। और यहाँ पर शीशे ने प्रदीप बोड़ा की तरफ से, लेकिन सामने अनिल अहर, अनिल अहर के साथ नई कामयाबी प्रदीप बोड़ा को, बहुत अच्छी कामयाबी प्रदीप बोड़ा को, शानदार शानदार कामयाबी प्रदीप बोड़ा को। मैं सेंटर देखा चल भाई कलू सर रेड पे है सामने चार कैचर पांच गांव के मित्र सिंगल कुलदीप शर्मा अंक कुलदीप के खाते में, अहर के खाते में आखिरी एक एक रेड। और दर्शक साथियों दिल की धड़कन थाम देने वाला मुकाबला है, स्कोर आपको बाद में बता दिया जाएगा। हो सकता है कि ये मैच का निर्णायक मुकाबला हो सकता है, निर्णायक रेड हो सकती है, दोनों तरफ से एक एक रेड बाकी है, स्कोर आपको बाद में बता दिया जाएगा। ऐसा हमारा अनुमान है, अंदाजा है कि हो सकता है ये जो रेड बची है ये निर्णायक रेड हो, इन्हीं रेडों पर फैसला होना है। पूरा मैच के करीब तोड़ बच गया है, तोड़ रेड इन पे फैसला होगा कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा इस टूर्नामेंट में, कौन अगले नेक्स्ट राउंड में प्रवेश करेगा। हाँ भाई यदि रेडी हो खिलाड़ी तो
आज अनिल अहर को इस पिछले राउंड में थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन अभी तक तेरे धाम की कृपा इस खेल में बनी हुई है। बाबा तीरथ की किसी खिलाड़ी को कोई खास चोट नहीं है, खेल कबड्डी हल्की फुल्की चोट चलती रहती है। भाई खिलाड़ी बताएं, यदि टाइम आउट नहीं है तो मैच शुरू करवा सकते हैं। अहर चलो भाई, रेड शुरू भाई विक्की, और भाई टाइम कीपर चल भाई सीनू जेलदार, आखिरी एक एक रेड है सीनू जेलदार, आखिरी एक एक रेड है। स्कोर दुनिया को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, सामने प्रदीप मनीष को उतारा है, और एक तरफ देखिए आखिरी सीनू जेलदार महावीर फरकार मनीष और प्रवीण फोर्ड, देखते हैं आधा अहर गांव यहां पर आया हुआ है मैच देखने के लिए, अपने बेटे अपने पुत्रों को मैच देखने के लिए। धन्यवाद।